मैं आपके होस्ट से आज बात कर रही हूँ। आज अपन बनाएंगे चटपटा मज़ेदार रोटी का सालन। कुछ लोग इसको बोलते हैं कि रगड़ा, कुछ बोलते हैं कि रोटी का सालन। तो आज बच्चों को रोटी का सालन खाना था तो घर पे ये पिता से घर पे पड़े हुए थे तो रोटी नहीं बची हुई थी। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि घर पे रोटी बच जाती हैं या नान बच जाते हैं तो उसको ये बनाते हैं, लेकिन आज क्योंकि बच्चों को खाना था तो हमारे पास पीता पड़े हुए थे, तो ये तकरीबन बड़े 4 से 4.5 पीता के पीता है, ये ऐसा पीता इतना बड़ा है, ये तकरीबन 4 से 4.5 के बीच में है पीता। ठीक है, और इसमें जाएगी ये दाल, चने की दाल जो मैंने बॉयल करके रखी है, तकरीबन 1.25 कप मैंने बॉयल किया था, तो ये तकरीबन 1.25 कप है, ये मैंने पहले से बॉयल करके रखी थी। और इसमें तकरीबन 3 मीडियम टोमेटो जाएंगे और इसमें तकरीबन 10 से 11 ग्रीन मिर्ची, जो तेज़ वाली मिर्ची है जिसको थाई चिल्ली भी बोलते हैं, थाई चिल्ली वो जाएगी, और ये लहसुन जाएगा और टोमेटो, इन तीनों को ग्राइंड करेंगे। और उसमें ये हल्दी जाएगी, हल्दी, नमक जाएगा और ये इसमें जाएगा जीरा, साबित जीरा। अभी इसको ग्राइंड करेंगे। थोड़े टोमेटो बच गए, इसमें फिट नहीं हो रहे हैं मेरा, क्योंकि ये जग छोटा है, मग छोटा है, तो उसमें थोड़े ग्राइंड करते हैं पहले। आप चाहें तो हाफ टोमेटो ग्राइंड करें और हाफ इसको पतले पतले करके इसमें मसाले में डाल के भून सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों के मुंह में आते हैं तो वो बच्चे नहीं पसंद करते, इसलिए मैं सब ग्राइंड कर लेती हूँ। मैंने इसमें ऑयल देगची में डाल दिया था, मेक श्योर करें कि ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालें, इतना डालें कि बस मसाला भुन जाए। बाकी टोमेटो ग्राइंड करेंगे।
अभी इसको भूनेंगे सही तरह। इसमें हल्दी जाएगी और साबुत जीरा डालेंगे, साबुत जीरा तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना, 1 टेबल स्पून जितना जाएगा। नमक जाएगा, नमक अपनी टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। ये अक्सर मोस्टली अपने घरों में कभी नान बच जाते हैं, कभी रोटी बच जाती है, जो अपन चपाती पकाते हैं तो मोस्टली फिर कुछ समझ में नहीं आता है। तो क्योंकि ये चटपटा भी होता है, टेस्टी भी होता है, तो बच्चे भी शौक से खाते हैं और उसको बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। तो समझो कि ये नान से भी बनता है, पिता से भी बनेगा एंड रोटी से भी बनेगा, जो घर की बनी हुई रोटी है। लेकिन मोस्टली ये ज़्यादातर रखी हुई रोटी से ज़्यादा अच्छा बनता है देन ताज़ा रोटी से। तो मेक श्योर करें कि अगर आपको बनानी है तो एक दिन पहले अगर रोटी या चपाती उसको बना के रखें तो अच्छा है। और ये इसके जो चने हैं वो तकरीबन इसके अंदर 20 से 22 ग्राम जो है वो प्रोटीन है और 45% जो है वो इसके अंदर आयरन है दाल में। और जो ये पीता मैंने डाले हैं, उस पीता के अंदर लिखा हुआ था कि फाइबर जो है वो 20 ग्राम्स, क्योंकि एक पिता में तकरीबन 4 से 5 से 6 ग्राम फाइबर था, तो ये 4 से 4.5 पिता है, इसका मतलब है इसमें 22-23 ग्राम जो है वो फाइबर है और इसमें 20% आयरन है पिता में। और उसके अंदर एक और चीज़, अगर आप को थोड़ी सी लाल मिर्ची डालनी है, क्योंकि हम लोग लाल मिर्ची बहुत कम खाते हैं घर पे, तो इसलिए मैं नहीं डालती, तो अगर आपको लाल मिर्ची डालनी है तो आप इसमें लाल मिर्ची डाल सकते हैं। क्योंकि टमाटर 3-4 हैं तो इसलिए थोड़ा मसाला भुनने में टाइम लगता है। हालांकि मोस्टली मैंने देखा है कि जो लोग रगड़ा बनाते हैं या ये जो रोटी का सालन जो बनाते हैं तो इसमें जो है वो नहीं डालते हैं दाल या ऐसी कोई चीज़ नहीं डालती। लेकिन मैंने सोचा कि मैं हमेशा डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा कि बच्चों को इसके साथ प्रोटीन भी मिलना चाहिए, आयरन भी हो प्रोटीन भी हो साथ साथ में, तो अच्छा है। तो मैंने इसलिए यहाँ तो आप इसमें कभी कभी चने भी डालती हूँ, साबुत सफ़ेद चने जो होते हैं वो अगर घर में बॉयल किए होते हैं तो वो भी डालती हूँ। और कभी कभी ये चने की दाल होती है, कुछ नहीं होता है तो चने की दाल बॉयल कर लेती हूँ वो। यहाँ तो जो साबुत मसूर हैं, साबित मसूर, उसको भी आप बॉयल करके और उसको भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि इन सब के अंदर जो है वो आयरन और प्रोटीन और मैग्नीशियम और विटामिन सी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर ये अच्छा है अपनी सेहत के लिए। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाएं ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। मैंने बिल्कुल 1 टेबल स्पून डाला था ऑयल का, तो मैं हल्का सा थोड़ा और डाल रही हूँ ऑयल। क्योंकि इसमें ऐसा है ना कि आप वक्त थोड़ा ऑयल भी डालोगे तो चलेगा, इसमें कोई ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना कि मसाला भुन जाए, इतना ऑयली काफ़ी है।
बस अभी इसके अंदर अपन ये दाल डालेंगे और ये अपन ये जो मैंने पीस मेक श्योर करना कि इसके पीस बड़े बड़े करना, क्योंकि ये बहुत बिल्कुल सॉफ्ट होके और फिर पता बहुत छोटे करोगे ना तो पता नहीं चलेगा कि आपने रोटी का सालन बनाया है, रोटी नज़र भी नहीं आएगी। तो मेक श्योर करना कि थोड़े बड़े बड़े रखना। तो इसमें अभी दाल जाएगी, दाल को बस जस्ट एक दफ़ा चला के और फिर ये इसको ये डाल के और एक आध उसको दफ़ा चला के और फिर पानी के दो से तीन भर के गिलास डालना बड़े वाले, ताकि वो थोड़ा सा हल्का सा सूप जैसा हो, बिल्कुल वाटरी नहीं हो लेकिन एटलीस्ट बिल्कुल वो नहीं हो जाए, बिल्कुल एकदम थिक नहीं हो जाए। तो मेक श्योर करना कि हल्का सा सॉफ्ट हो तो वो खाने में भी मज़ा देता है, अच्छा लगता है। फिर अपन इसमें अभी दाल डालेंगे, और जब मैंने दाल बॉयल की थी तो उसका पानी मैंने गिराया नहीं था। मैंने कहा इसमें भी ज़ाहिर बात है न्यूट्रिशन होती है ना, तो मैंने ये दाल का जो पानी है वो सेव कर लिया था ताकि मैं इसमें डाल दूँ, तो ये मैंने रखा है। तो ये डालूंगी और फिर इसके बाद मैं इसमें पानी डालूंगी। ये इतने बड़े गिलास हैं, तकरीबन दो तीन गिलास जाएंगे इसमें। आप मेक श्योर करना कितना, पहले दो गिलास डाल के देखना बड़े वाले और फिर उसके बाद फिर ज़्यादा डालना। डिपेंड करता है कि आप कितनी बना रहे हो, दो पिता बना रहे हो, तीन बना रहे हो, या चपाती अगर आप है तो छोटी है या बड़ी है, तो उस हिसाब से आप थोड़ा पहले पानी डालना फिर उस हिसाब से ज़्यादा डालना ताकि आपका बिल्कुल एकदम वाटरी नहीं हो जाए। अभी बस इसको एक दो मिनट में भूनूंगी, देखो ये भुनना है, एक दो मिनट भूनूंगी फिर ये पिता डालूंगी ये और फिर पानी डालूंगी। और नमक आप देख लीजिएगा और अगर आपको लाल मिर्ची डालनी है या ग्रीन मिर्ची काट के और डालनी है तो उस हिसाब से। तो उम्मीद है कि मेरी आज की आपको रेसिपी पसंद आई होगी। ये बहुत हेल्दी है और टेस्टी भी है, ईजी भी है कि घर में जब भी आपको कुछ नहीं है तो चपाती निकाल के, दाल भी पड़ी होती है, चने भी होते हैं अक्सर कभी घर में बच जाते हैं, तो आप ये बना सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।